अगर आपको भी 1 लाख से ज्यादा का लोन चाहिए तो आप भी इस तरह से लोन ले सकते हैं। आज मैं जो आपको एनबीएफसी या जो ऐप बताने वाला हूं, यहां पे आप घर बैठे 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन मैं बात करूं सिर्फ 1 लाख की। अगर आपको 1 लाख से ज्यादा का लोन चाहिए, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। बहुत ही कम प्रोसेसिंग फीस पे, बहुत ही कम ब्याज पे आपको लोन मिल जाएगा। और जिस एनबीएफसी या जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ, उसने हाल ही में अपनी लोन को सर्विस को स्टार्ट किया, इसका काम तो कुछ और ही था। और रेटिंग इसकी 4.5 है और इसकी जो डाउनलोड है वो 10 मिलियन प्लस डाउनलोड थे। मतलब मैं आज जो बताऊंगा ना, कुछ हटके ही होने वाला है। आपने इसका नाम अभी तक नहीं सुना होगा, बिल्कुल जी हाँ, नहीं सुना होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं टू बैलेंस मनी व्यू नावी को रिपीट करूंगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके भी 10 मिलियन डाउनलोड से 4.5 की रेटिंग है, मैं किसी ऐप को रिपीट नहीं करूंगा। बहुत ही कम ब्याज पे आपको लोन मिल जाएगा। बात आती है कि कौन से डॉक्यूमेंट से, कौन सी ऐप है, कैसे अप्लाई करना है, कितना कम ब्याज लग रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है, बहुत तरह की बातें दिमाग में बातें आ रही होंगी, तो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी 1 लाख से ज्यादा का लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिख के आ रहे होंगे @LSB0। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया, उसे भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सीधे आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, आपको सीधे लोन डिटेल शेयर करता हूं वो कौन सी एनबीएफसी ऐप है। तो यहां देखिए, तो दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर ओपन किया हुआ, जो एनबीएफसी के बारे में बता रहा हूं उसी का है। अगर 1 लाख का लोन आप ले रहे हैं 12 महीने के लिए यानी 1 साल के लिए, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट लगेगा मिनिमम 12%, मैक्सिमम 35% लगेगा। मैं 12% लेके चल रहा हूं। तो यहाँ पे 1 लाख के लोन पे आपकी जो ईएमआई बनेगी 8,885 रुपए की बनेगी, जो आपको 12 महीने तक देनी होगी, 1 साल तक पे करनी होगी। अब आप यहाँ पे इंटरेस्ट यानी ब्याज देख लीजिए, 6,619, ठीक है। अब ये 500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस है, मतलब आप अगर इसको सबको जोड़ लेते हो तो 7,100 रुपए लगभग यहाँ पे आपको पे करने होंगे। मतलब कॉस्ट, आप कॉस्ट देखिए कितनी लग रही है, 1 साल में 7,000 की कॉस्ट लग रही है डायरेक्टली आप यहां से अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, दिया है 10 लाख तक का, लेकिन 5 लाख तक का आपको इजीली मिल जाएगा अगर आपका सब कुछ ठीक रहता है। अब बात आती है ये ऐप कौन सी है, ये जो एनबीएफसी कौन सी है। मैं बैक आता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे सारा दिखा दूं। ये इंस्टेंट लोन लिख के आ रहा है, 10 लाख का लोन है। व्यू लोन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मिनिमम 5,000, मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। जो एक्चुअल लोन अमाउंट है वो ये है, 10 लाख का मिलता है, लेकिन उसमें आपको फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लें, 12.75% से 33.75%, मतलब कि 13% से 34% तक का आपका रहेगा। तो ना टाइम मिनिमम 9 महीने, मैक्सिमम 42 महीने का टाइम मिल जाता है। आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे भाई साहब, देखिए आधार, पैन और अपने बैंक का स्टेटमेंट, मतलब चाहे एम्प्लॉयड है तो भी आप लोन ले सकते हैं, सैलरीड है तो भी ले सकते हैं, क्योंकि बैंक का स्टेटमेंट दोनों ही लोग दे सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट है तो भी आप ट्राई कर लीजिएगा, बैंक का स्टेटमेंट तो आप लगा ही सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस 2 से 4% प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे देनी होगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, अगर आप 20,000 का लोन 6 महीने के लिए लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1426 रुपए लगेगा, 24% पर एनम के हिसाब से। 590 रुपए की प्रोसेसिंग फीस है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है, 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस और 90 रुपए आपका यहाँ पे जो है जीएसटी का है। अमाउंट जो आपके अकाउंट में आएगा 19,410 रुपये आएगा। ईएमआई बनेगी 3,571 रुपये की। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इससे सस्ता लोन कहीं नहीं मिलने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ऐप है कौन सी, ये भी आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पे देखिए मैं और बता दूं, ईएमआई कैलकुलेटर जो मैं आपको बता रहा था, इस पर क्लिक करके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप खुद से चेक कर लीजिएगा। 10 लाख तक का लोन यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से आप जो यहाँ पे पूरा आंकड़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना लोन लूंगा, कितना यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रहेगा, कितना परसेंट फीस रहेगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। इंडिया लैंड और प्रेफर इसका लैंडिंग पार्टनर है, एक तरह स्पॉन्सर है, यहाँ से भी आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे एक आ रहा है लाइन ऑफ क्रेडिट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप जो है 3 लाख तक की लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड पे मिल जाएगी, अनलॉक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा, प्रोसेस आगे बढ़ेगा। मुझे यहाँ पे अपने फोन नंबर को वेरीफाई करना है और मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ 3 लाख के क्रेडिट के लिए, जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं और जो अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब बात आती है ये ऐप है कौन सी, दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ऐप है कौन सी। इसका नाम दोस्तों देखिए, इसका नाम है हाउसिंग करके ऐप का नाम है। अब मैं आपको सीधे प्ले स्टोर पे लेके चलता हूँ। तो ये है ऐप हाउसिंग बाय रेंट सेल पे। यहाँ पे आप कोई प्लॉट ले रहे हैं, बेच रहे हैं या अन्य प्रकार का कोई सर्विस है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। लेकिन इसने हाल ही में अपनी लोन की सर्विस को भी स्टार्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे इसकी रेटिंग 4.5 की है और रेटिंग भी ज्यादातर लोग पॉजिटिव दे रहे हैं।
10 मिनट प्लस डाउनलोड से एवोदस ऐप में आएंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे कोई चीज सेल करनी है, रेंट पे लेनी है, मतलब जो रूम वगैरह होते हैं ना उस टाइप से, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है बेचनी उसका यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ऑल टाइप प्रॉपर्टीज है, नो ब्रोकर प्रॉपर्टी है, सर्च में कर सकते हो प्रॉपर्टी को, उस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। आप नीचे आएंगे तो मैं आपको दिखा दो, यहाँ पे लोन की डिटेल्स भी दी है, मिनिमम 5,000 मैक्सिमम 5 लाख तक का ले सकते हैं। जो डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कराई है वही यहाँ पे दी हुई है, एग्जाम्पल भी दिया। अगर आप 3 लाख का लोन 10 महीने के लिए लेते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम 300 दिन के लिए मिल जाएगा आपको यहाँ पे, तो आपको टोटल रिपेमेंट करना होगा 3,33,980 रुपए। तो भाई देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर आप यहाँ से लोन ले रहे हैं तो बहुत ही कम कॉस्ट में ले सकते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक दिया है, लैंडिंग पार्टनर आप देख सकते हैं IIFL फाइनेंस में है और अर्ली सैलरी भी इसका जो है लैंडिंग पार्टनर है। तो कहने का मतलब यह है कि इस लोन ऐप से या इस ऐप से आप लोन ले सकते हैं। आपको आधार कार्ड पैन कार्ड देना और जर्नली बैंक अकाउंट सबका होता है, स्टेटमेंट निकाल के लगा दीजिएगा, आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी ऐप है, कम कॉस्ट में आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब मैं आपको दूसरी ऐप और सजेस्ट कर दे रहा हूँ, दूसरी एक NBFC और है वो भी सजेस्ट कर दे रहा हूँ, जहाँ से आप डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां से भी आप 1-2 लाख का लोन ले सकते हैं। हाउसिंग बाय रेंट करके यहाँ पे 1-2 लाख का लोन आप इजिली ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दूसरी NBFC जिसका नाम है लुक्की लोन NDX P2P प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट ओपन कर लेंगे, सबसे नीचे आएंगे एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे बोरो मनी करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। उस पर क्लिक करके आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बोरो मनी पे क्लिक करेंगे, अब जो एक्चुअल वेबसाइट है लोन वाली जहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो ओपन हो जाएगी। मोबाइल नंबर, अमाउंट डालेंगे, लोन क्यों चाहिए वो डालेंगे और अप्लाई 1 मिनट में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये ऐप भी बहुत ही बढ़िया है, तो इसके अंदर आप डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, उसमें फायदा ये होगा कि यहाँ पे भी आपको बहुत ही कम ब्याज पे, कम कॉस्ट पे लोन जाएगा, प्रोसेसिंग फीस भी बहुत कम रहती है। प्रोसेसिंग फीस देखिए कि जो उससे पहले वाली ऐप थी उसमें मात्र 500-600 रुपए ले रहे हैं, यार और क्या लोगे आप, बहुत ही कम कॉस्ट पे लोन मिल रहा है और क्या ही लोगे। तो लुक्की लोन्स हो गया या जो हाउसिंग वर्क करके जो ऐप थी पहले वाली, उससे आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसको हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। अब बहुत से लोग को मान लीजिए लगेगा कि यार मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ, ऐसा है वैसा, क्योंकि उनको पता तो है नहीं, वो ट्राई तो किए नहीं है, अगर उनको लोन नहीं मिलता लगता है कि हम लोग गलत बोल रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों को लोन यहाँ से मिला, ऐसे ही 4.5 की रेटिंग नहीं है प्ले स्टोर पे और ऐसी 10 मिनट डाउनलोड्स नहीं हो गए हैं उस ऐप के, ठीक है। तो वहां पे ट्राई जरूर करिए, अगर आप लोन लेना चाहते हैं आप लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए ट्राई कीजिए, शायद आपको लाइन ऑफ क्रेडिट मिल जाए, उसको आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप ट्राई जरूर करें, ठीक है। अगर फिर भी आपको लोन नहीं मिलता है तो मैं आपको यहाँ पे 3 ऐप सजेस्ट कर दे रहा हूँ जो ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन प्रोवाइड कर देती है, कोई तकड़म नहीं आता, आपको लोन मिल जाएगा 2 बैलेंस से 15 से 20 हजार, और फिर आपको नावी से भी 25 से 30 हजार का लोन 8 से 9 महीने के लिए, फिर आपको यहाँ पे दोस्तों फिर जो है मनी व्यू से भी आप जो है 8,000-10,000 का लोन ले सकते हैं, 15,000-20,000 का भी ले सकते हैं ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड पे। तीनों के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो आप इन ऐप से भी लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है पूरी बात समझ गए होंगे, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।